नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कटरा कोटी धाम के प्रांगण में अन्नकूट के अवसर पर स्वामी चिन्मयानंद दास जी के मुखारविंद से सैकड़ों श्रोताओं ने भक्ति रस का श्रवण किया तथा प्रमुख रूप से समाज सेवी विघ्नेश पांडे जी को एवं तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। कुछ सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर है। और ऐसे विद्वान पूज्य महंत विश्वनाथ चिन्मयानंद जी महाराज के मुखारविंद से सुना जा रही, तो इससे बेहतर और कोई कुछ हो ही नहीं सकता। वाह भाई, क्या बात है। जगत में कोई नहीं है तेरा, ये संतों की ही मुखारविंद सुन कह सकता है। भगवान के प्रति अपने एक आराध अपने प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का इससे अच्छा मौका नहीं है, और भक्ति की रसपान करने का इससे अच्छा पुनर्वस्त नहीं है। चूँकि ऐसे विद्वान महंत के बीच में अगर हम लोग कुछ सीख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर है। और ऐसे विद्वान पूज्य महंत विश्वनाथ चिन्मयानंद जी महाराज के मुखारविंद से सुना जाए, तो इससे बेहतर और कोई कुछ हो ही नहीं सकता। का मुख्य गेट है यहाँ से, जो कि अभी हमने जो दिखाया, यहाँ पे कथा प्रवचन वगैरह तमाम प्रयोजन होते हैं। और ये कटरापुरी धाम के और उस और ये मुख्य गेट ही कह सकते हैं उसको, जहाँ से हमारे तमाम श्रोता यहाँ के भक्तगण यहाँ से प्रवेश करते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, कटरापुरी धाम का जो है यहाँ पे आपको दिखाऊँगा किसकी इसकी महिमा क्या है, और इसका जो एक हनुमान जी की जो तपस्वी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको कि कटरापुरी धाम का सबसे प्रमुख स्थल। यहाँ आप देखें कि यहाँ पे कर्मचारी लगे रहते हैं, साफ सफाई बड़ा ध्यान विशेष ध्यान रखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी का प्रमुख मंदिर मैं आप दिखा रहा हूँ, और कैमरा मैन कहूँगा कि आगे बढ़ के मंदिर की जो है उसको दिखाएं। ये मंदिर है और दर्शनार्थ पधारे हैं श्री हनुमान कुटी कटरापुरी धाम संत सुंदरदास, क्योंकि संत सुंदरदास जी ही इसका नींव रखे थे और यही एक स्थल है। तो आप देखें यहाँ पे साक्ष हनुमान जी मौजूद हैं, क्योंकि एक सिद्ध स्थल है, हनुमान जी है, भगवान राम दरबार है, सीता जी हैं, हनुमान जी सभी लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। और ऐसे भव्य मंदिर, बहुत पुराना पौराणिक मंदिर है, और हनुमान जी भी यहाँ है। हनुमान जी का हनुमान रुद्र रूप जो है, शंकर जी का रुद्र रूप हनुमान जी हैं, और यहाँ शिवलिंग है। और इसकी भी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आदमी स्नान करते समय इस मंत्र का अगर जो है हर गंगे जैसे शंकर का इसका मंत्रोच्चारण कर ले तो तमाम पुण्य यहाँ मिलता है। और ऐसे स्थल पर मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे हनुमान जी के साथ साथ भोलेनाथ और साक्षात माता के दर्शन करें आप। और इस कूप भी को मैं तो माता के ये आप दर्शन करें, और अभी हम आपको ले चल रहे हैं, आइए। तो अब ले चलते हैं ये कटरापुरी धाम वो है, क्योंकि हनुमान जी का तपोस्थली है जहाँ पर हनुमान जी तपस्या करते थे, तो अब मैं वहाँ भी ले चल रहा हूँ। तपोस्थली है जहाँ पर हम आए हैं, देखिए फूलों से राम लिखा गया है, कितना सुंदर आपको दिखाऊँगा। ये आप देखें यहाँ पर सूर्य जो है राम, बड़ा सुंदर दिखा हुआ राम दिखा हुआ है। तो आइए हम चलते हैं उस गर्भगृह में जहाँ पर हनुमान जी तपस्या करते हैं, और राम धुन हमेशा बजता रहता है। और ये हनुमान जी का जो है आप देखें यही स्थल है जो कहा जा रहा है कि हनुमान जी का तपोस्थली यही से, तो यहीं पर आके तपस्या करते हैं। और हनुमानगढ़ी में वहाँ पे वो राजा वहाँ के हैं जो है, लोगों को सुख दुख वहाँ पे देखते हैं, उनके का शरण हरण करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो तपस्या करते हैं। यही तपोस्थली है कटरापुरी धाम का मुख्य मंदिर कह सकते हैं, मुख्य केंद्र कह सकते हैं। और मैं सबसे पहले मैं प्रणाम करूँगा श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी का चरण है ये, और हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ श्री हनुमान जी महाराज को।
बड़ा अच्छा शब्द लिखा हुआ है, विश्वास करो आज तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न है, अपने जीवन की सबसे बड़ी एक इच्छा आज पूरी करा लो। इसने अपने ऊपर भी श्री हनुमान जी की अहेज की कृपा समझे, प्रेम से बोलो सर्व मनोकामना सिद्धेश्वर दक्षिण मुखी प्राण प्रतिष्ठित। ये दक्षिण मुखी वह जो है हनुमान जी का वो है, और साधना रत्न है समय यहाँ पे यही साधना रत्न होते हैं। और ये आप देखें श्री हनुमान जी का परिधाम श्रद्धा धाम, और निर्भीक रहो एक आशीर्वाद है, निर्भीक रहो आगे बढ़ो जो चाहो सो पाओ। तो ये हनुमान जी का हमने दिखाया कि यहाँ पे तपोसली है, वरदानी चौखट है, अंजनी सुतम द्वार कटरा कुटी धाम गोंडा। अब ये अविध्या भी हो गया है, तो कटरा कुटी धाम का मुख्य गेट यही माना जाता है और यहीं से ही लोग आते हैं। लेकिन अब ये क्योंकि गेट हमेशा अक्सर बंद रहता है जिसके कारण लोगों का आना जाना जो है पीछे से हो जाता है, और यही मुकमा है। और यहाँ से हम दिखाएंगे आपको कि कुटी धाम अपने उच्च अग्रसर है, अपने विकास की ओर अग्रसर है। और ये दिखाऊंगे कि एक यहाँ पे सबसे जो है भोजनशाला है यहाँ पे, और अभी तक तमाम लोग जो सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ पे खुले भोजन करते थे, लेकिन हमारे यहाँ यहाँ के प्रमुख जो है समाज सेवी थे विपिनेश पांडे जी अयोध्या के हैं, और उनके सौजन्य से उन्होंने चूँकि अयोध्या में काफ़ी जी विकास किया, बहुत विकास कराया है, और उन्होंने भी एक रूम कमरा बनवाया वहाँ पे यात्रियों के रुकने दिए और कथा मंडप बनवाया, तो बहुत सी चीज़ों का उन्होंने क्या लोकार्पण किया। और ये देखिए कि यहाँ पे भी आपको दिखाऊँ कि ये विपिनेश पांडे जी की ही देन है कि आज यहाँ पे सैकड़ों लोग उस चाहे पहले क्या है धूप में बरसात में दिक्कत हो जाती थी, आज बरसात हो धूप हो कुछ भी हो सबसे राहत जाते हुए उन्होंने यहाँ पे ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये बनवाया है जहाँ पर सैकड़ों भोजन कर सकते हैं तीन शेड लगा करके। और ये देखिए आप कम से कम 5 पंखा भी लगा दिया उन्होंने, ये विपिनेश पांडे का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ के सबसे अगर कहा जाए तो सबसे जो यहाँ के सहयोगी कह सकते हैं सबसे, तो उनसे बड़ा सहयोगी मुझे नहीं लगता कोई और हो। और हम देखते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, तमाम विधायक और तमाम सांसद भी प्रदूषण मंत्री आए थे, लेकिन जो सम्मान हम समझ रहे हैं कि अगर विपिनेश पांडे जी को है जो जो उनका योगदान है उतना ये किसी भी सांसद विधायक का योगदान नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कम से कम 50 लाख रुपये खर्च करके यहाँ पे निर्माण कराया है, तो मैं उनको बधाई दूंगा कटरापुरी धाम से। और ऐसे में अगर हम देखें कि और ये देखें आपको हम दिखाऊँ कटरापुरी धाम का ये जो है ये है जहाँ पे पूज्य महाराज जी यहाँ पे विश्राम करते हैं, संतों से मिलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो ये भी उनका एक वो है हॉल है, तो जो तो इसको भी मैं आप तो ये आप देखा है कि यहाँ पे पूज्य महाराज जी यहाँ पे विश्राम करते हैं। और ये एक बहुत अच्छे है क्योंकि चूँकि यहाँ पे पीठ है जहाँ पे बैठते हैं, और यहीं से महाराज जी यहाँ बैठ करके लोगों को अपने शिष्यों से रूबरू होते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि जिस तरह से यहाँ पे विपिनेश पांडे जी ने जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है और जिस तरह से लगातार सहयोग करते चले आ रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि विपिनेश जी का अवर्णीय कह सकते हैं सहयोग है, और उस सहयोग का अपनी उस प्रकाष्ठा को पार कर चुका है, कर रहा है जिस ओर जो सपना जो था यहाँ के पूज्य महाराज सर सुंदरदास जी महाराज का, उसे यहाँ के पूज्य महंत स्वामी चिन्मनदास जी इसको पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर अरुण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, विनोद गुप्ता जी है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका समर्पण कटराकुटी धाम में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कोई समर्पण हो ही नहीं सकता। और जिस तरह से यहाँ पे हम दिखाएंगे कि आप देखिए चूँकि अन्य मठ मंदिरों में ये भोजन की व्यवस्था हो रही है, और यहाँ पे आप दिखाएं कि यहाँ पे देखिए भोजन की व्यवस्था जो भोजन बन रहा है, और ये सारे जो यहाँ के शिष्य हैं उन्हीं के द्वारा देखिए तमाम सहयोग किया जा रहा है, सारी सुविधाएं यहाँ पे गैस सिलेंडर है, और ये यहाँ के सहयोगी हैं जिनको लगातार यहाँ पे अपना भोजन बनाने का और ये परोसने का सारे काम हो रहा है। तो देखिए कितना साफ सफाई से यहाँ देखिए महिलाएं हमारे पास तमाम जो है यहाँ पे मौजूद है, इनका एक भाव है सेवा भाव है, उस सेवा भाव से यहाँ पे समर्पण भाव से लगी हुई हैं। और तुम अब तुमको मालूम होगा तुम तुम्हारे वीडियो बन रहा चले जा रहे हो,
यहाँ देखें कि आप जो है आधा दर्जन महिलाएं यहाँ पे लगभग जो सेवा कर रही हैं और इस कटरा कुटी धाम में, क्योंकि यार कटरा कुटी धाम का एक अपना महत्व है और जहाँ पे पूज्य यहाँ पे जो महाराज जी हमारे हैं पूज्य स्वामी जी विद्वान हैं और उनके देख रेख में उनके संरक्षण में यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कटरा में, यहाँ पे कटरा कुटी धाम में हनुमान जी की तपोस्थली है, उस तपस्या के दौरान आप देखें यहाँ पे महिलाएं देखे आटा गूंथ रही हैं और ये सारे जो है सेवा भाव से कर रहे हैं और यहाँ के कर्मचारी हैं ये सब यहाँ पे दिन रात लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के सहयोग से आज कटरा कुटी धाम अपने उस विकास की ओर अग्रसर है, उस प्रकाष्ठा का पार कर की ओर अग्रसर है जिसका सपना तमाम लोग देखते रहे और आज इस सपना को साकार करने में यहाँ के तमाम लोगों की जो है ये अपने योगदान है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। मैं अध्यक्ष नीरज सागर थैंक जी महाराज जी हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी के हम जब जितनी जो प्रशंसा करें जितनी भी करें, चूँकि ये सब विद्वान और विद्वता से परिपूर्ण स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज आज श्रोताओं को अन्नकूट के अवसर पर यहाँ पे सारे श्रोताओं को राम के आराधना अध्यात्म की ओर किस तरह से प्रेरित करते हैं और किस तरह से आकर्षित करते हैं ये भी एक अपने में अद्वितीय है, क्योंकि ऐसे में स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज की यही विद्वता अयोध्या कटराकुटी धाम में चार चांद लगा रहा है और कटराकुटी धाम के उस पीठ पर आज जिस तरह से संख्याएं बढ़ रही हैं यहाँ के कटराकुटी धाम में और हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये भी एक सौभाग्य पल है कि अयोध्या में ऐसा पल कटराकुटी धाम में जो कि 2 साल पहले जो देखने नहीं मिलता था उससे आज चूँकि बहुत बेहतर हो गया है। और उस कटराकुटी धाम में जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ के विपिन पांडे जी ने क्या जो पंडा देख रहे हैं ये कथा का जो है मंडप उन्हीं की देन है और विपिन पांडे जी का, और ऐसे समाज सेवी को निश्चित है कि वो सम्मान के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने ये एक हॉल बनाया है आप देख सकते हैं और इसको भी समर्पण किया है बना करके। तो हमारे बीच में डॉक्टर अमर सिंह जी हैं, इस तरह से तमाम लोग यहाँ पे सहयोगी हैं जिनके बहुत बड़ा योगदान है और आप देख सकते हैं कि विनोद गुप्ता जी हैं, विनोद सिंह जी हैं, क्योंकि इन लोगों का जो है अब अस्मरणीय जो योगदान रहा है कटराकुटी धाम के लिए समर्पण भाव से जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में जो हिंदुस्तान के वरिष्ठ